वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं गुड फुट वर्सेस बैड फुट चैलेंज। इसमें हमें क्या करना होगा भाई? नहीं पता। कैमरामैन सिंपल से टास्क पूछेंगे और हमें जो सही आंसर देगा वो गुड फूड खाएगा और जो गलत आंसर देगा वो गलत फूड खाएगा, मतलब खराब फूड खाएगा। कितने लेवल होंगे? 3 लेवल। और जिसको आंसर पता रहेगा सबसे पहले वो जो बॉटल उठाएगा वो पहले आंसर देगा। नॉट बॉटल, चल। नहीं बॉटल उठाना होगा। नो बॉटल। हाँ चलो कैमरामैन स्टार्ट। तो हमने सिक्का लाया है, हम सिक्का को उछाल के खाना लाएंगे। हमने 2 का सिक्का लिया है क्योंकि मेरा भाई 2 कौड़ी का इंसान है। अरे! मेरे चीजें तो मेरी बन जाती, इस चैनल का खर्चा मेरे से ही आता है पैसा। फ्रेंड्स देखिए सिक्का कितना दूर चला गया है। तो हमारा खाना क्या जाएगा? पता नहीं खाना किधर जाएगा। तो दोबारा उछाल है। चलिए तो दोबारा उछालते हैं। अगर इस बार दिल्ली गई तो कैमरामैन दिल्ली में ही खाना दे देगा। ये देखो पैसा, ये देखिए खाना आ गया और पैसा हमारा कहाँ गया? पैसा पता नहीं लगता है, पैसा कैमरा मैन ने रख लिया खाना देने के लिए। देखिए कैमरा मैन ने हमें नींबू मिर्ची भी दे दी है क्योंकि हमारे चैनल को बहुत नजर लग गया है। अभी तक 30 सब्सक्राइबर हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपके 30 सब्सक्राइबर देख के हमारे पापा ने उसमें एक और 0 लगा के हमें 300 रुपया दिया। और इसमें आपने चेयर तो दिलाया नहीं, हमने कुर्सी एक ले ली इसके लिए नहीं और टी शर्ट भी ले ली नहीं। चलिए तो हमारे कैमरा मैन जी ने अब कहा है कि वो प्रश्न पूछेंगे और हमें जवाब देना है, जो सही देगा वो खाएगा गुड फूड और बाकी जाए। चलिए पूछिए कैमरामैन जी। तो देवराज जी और हेमंत जी आप लोग रेडी हैं? यस। पहला प्रश्न समोसे और मिर्ची के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206। तो ये अमान्य है क्योंकि आप दोनों ने ही सही जवाब दिया है। बोतल उठाने, दोनों को पता होगा जो पहले उठाएगा उसका होता। तो पागलो, मैंने पूछा कि देवराज को बोलना है या हेमंत को, आप लोगों ने अपना मुंह क्यों चलाया? आपने अपना मुंह पहले क्यों चलाया? तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नया प्रश्न दे रही हूँ ना, क्यों रो रहे हो? चलिए बताइए। तो हमारा प्रश्न चेंज है लेकिन किसके लिए? फूड वही है। तो हमारा प्रश्न है, पैसा दे दिया, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पहला, तो हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हेमंत आप आंसर दीजिएगा। कमल का। तो गुड फूड जाता है हेमंत को समोसा और बैड फूड जाता है देवराज को मिर्च। देवराज ने मिर्ची गायब कर दी। मैंने मिर्ची दी थी। देवराज जी जल्दी मिर्ची धरिए, नहीं तो आप बहुत पिटोगे। देखिए देखिए कैसे मिर्च को छुपाया गया है। उसे खाना है, उसे छूना नहीं है। हमें दिखना चाहिए कि आपको तीखा लग रहा है। मैं आप लोगों के फेस पर जूम करती हूँ। देवराज जी खाइए, दिखाना नहीं खाना है। एक निवारा ले सकते हो। देखिए तो गाइस क्या देवराज मिर्च खा रहा है? मुंह दिखाइए अपना। चुपचाप खा, नहीं तो तेरा भी छीन लूंगा। सचमुच में देवराज ने मिर्च खाई है। 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ और हमारा दूसरा प्रश्न है देवराज के लिए। तो मैं प्रश्न रखूं देवराज जी? यस।
तो आप बताइए कौन से जानवर के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग होते हैं? दिखाने के अलग और खाने के अलग। हाँ मैं बताऊं। दिखाने के लिए तो मेरे यही है और अलग और अंदर में जो दांत ले दिखते हैं वो मेरे। तो हमारा पहला वीडियो स्टॉप हो गया था, तो हमने दूसरा वीडियो स्टार्ट किया है। तो चैनल पे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे देखना ना भूले। तो कैमरामैन जी आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा सेकेंड प्रश्न उसमें था कि किस जानवर के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं? देवराज जी आप आंसर कीजिए। वो तो हम भैया के भी है लेकिन जवाब हाथी है। सही जवाब। तो देवराज जी आप बालूशाही खाएंगे और हेमंत जी आप नींबू को खाएंगे। अपने मर्डर करने के लिए ले आया है सामान। चल चल बना। तो देवराज जी आप नींबू कट कीजिए, उसमें नहीं देना है पानी में, वो थर्ड राउंड के लिए है। अच्छा ठीक है। लेमन चूसना मर्डर करूंगा। कहीं ऐसा ना हो देवराज जी कि आपके हाथ से ही चाकू पार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पापा आप लोग को तो पीटेंगे ही, मेरा कैमरा भी तोड़ देंगे पापा। कैमरा नहीं, 15,000 का मोबाइल तोड़ देंगे। हमने 11 नवंबर को लिया था। चल दोनों नींबू खा ले। वो बात नहीं हुई तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हारी गलती। समोसा भी आधा खाया था, तूने मिर्च भी आधा खाया था। तो आधा इधर रखा है, वो पूरा खा। कैसा लग रहा है हेमंत जी आपको? खाकर आधा यहाँ पे मेरी जवानी पर रंग चढ़ रहा है। हमें ऐसा सुन के हमारे रंग उतर। मुझे तो दुख हो रहा है भैया को देख के कि उसने आधा नींबू ले गया। दुख हो रहा है तो पानी चाय दे देना, ऐसे भी तू क्या खा रहा है? हाँ, मैं तो पी लिया। हमें भी दे दो थोड़ा सा, प्लीज। ट्राई करना बहुत अच्छा है जी। तो हम बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। और मैन तीसरा प्रश्न पूछिए जिसमें ये हार जाए। तो तीसरा प्रश्न देवराज और हेमंत जी आप दोनों के लिए है, तो बड़ा ही सोच समझकर आंसर कीजिए। अगर जिसे मालूम हो किस जानवर का, जलीय जानवर का वजन 30 किलो है? ब्लू वेल। डॉल्फिन। तो सही जवाब हमारे हेमंत जी ने दिया है। तो उससे मिलेगी बिस्किट। पहले कौन सा प्रश्न आपने पूछा था? जलीय जंतु का कितना किलो वजन है? आपने कितना बोला था वजन? एक मिनट। क्या हेमंत जी आपने आंसर सही दिया, पर क्वेश्चन क्या है आप बताइएगा। बताइए क्वेश्चन। आपने कहा था किस जलीय जीव सबसे भारी है? गधे, उल्लू के पट्टे। कितना आपने वजन बोला था? आपने बिना सुने आंसर किया है, इसीलिए ये देवराज को जाएगा। मैंने बताया था कि किस जानवर का वजन 30 किलो है। का वजन 1 टन से बहुत ज्यादा है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। नहीं बाबू, हमने बुक में पढ़ा है। आप सर्च करके देख। डाई हो चुका है ये प्रश्न। गूगल पे सर्च कीजिए 1 टन से भी ज्यादा। देवराजी शोर मत मचाइए, ये डाई हो चुका। और नहीं, आप सर्च कीजिए किसी को तो मिलेगा। मैं अलग प्रश्न पूछ रही हूँ। 30 किलो डॉल्फिन। ये तीसरा प्रश्न, उस प्रश्न में बहुत झोल हो गया था इसलिए हमने प्रश्न को ही चेंज कर दिया। तो आप लोग बताइए का वेट 173 टन होता है। तो आप जानते हैं, तो अपना मुंह का शटर बंद कीजिए। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उस पे फोकस कीजिए। ओके ठीक है, तो पूछिए ना, आपकी बकर बकर कर रही है। तो आप मुझे बोलवा रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आप भी हमें
इसका प्रश्न सुनिए। सुनाइए। ठीक है, तो बाद में मारपीट हो जाएगी। किस बॉलीवुड हीरो के 6 फिंगर हैं? सुशांत सिंह राजपूत। रॉन्ग। आप बताइए। वरुण धवन। रॉन्ग। सलमान खान। दीपिका। रॉन्ग। रॉन्ग। अजय देवगन। टाइगर श्रॉफ। रॉन्ग। रॉन्ग। चिंटू पांडे। कट कट। तो मैं सही आंसर मैं देती हूँ और ये मैं ले लेती हूँ। नो, मैं नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो जल्दी से आंसर कीजिए। जैकी श्रॉफ। चप्पल कहाँ है, कोई खोज के दीजिए ना। ए, वो जो वॉर में दूसरा हीरो था उसका नाम क्या था? मैं नहीं बताऊंगी। और चलो, वो दूसरा हीरो का था नाम वॉर कौन सा? ओके, वॉर टू। नो, वॉर 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 डायरेक्ट वॉर। ऋतिक। ऋतिक रोशन। करेक्ट आंसर देवराज ने दिया है, तो देवराज खाएंगे हमारे ट्रीट बिस्किट। और हेमंत को याद आ गई, कल ही मैंने मोबाइल में देखी थी। और हेमंत को दी जाएगी नींबू मिर्च मोटिवेशन मिक्स करके पानी में। इसे प्लीज इसका तो मैं खुद से मिक्स कर। देवराज जी, ज्यादा हो जाएगा। देवराज जी, इसका खाना इसके लिए तैयार किया जाए प्लीज। रोइएगा मत, मेरे गिलास बढ़ा दीजिए कैमरामैन जी। ठीक, कैमरामैन ने गिलास दे दिया है, आज बढ़ा जाएगा। एक बात और, आप लोगों के पास तो दिमाग है ही नहीं, आप लोगों ने कितना घुमाया इस प्रश्न को। एक मिनट, छोटा सा आंसर था फ्रेंड्स। एक बात, लेकिन हमने लगता है आधा से ज्यादा बॉलीवुड हीरोज का नाम ले ही लिया शायद। अबे तूने बात करने में पीएचडी कर रखी है क्या? बोलने का मौका तूने रुक, अच्छा से लेमन तो दीजिए, कहीं ऐसा ना हो। खोलने दीजिए तब ना मजा आएगा, नहीं तो मैं थोड़ी सी नींबू बिगाड़ दूं क्या? थोड़ी सी पूरी डाल दो ना। हाँ, अगले राउंड में वैसे भी इसने नहीं खाई थी। एक मिनट, शायद वो नींबू बची होगी। ए, वो नींबू दीजिए। अच्छा ठीक है, तो यही नींबू को मुझे और देते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड, जितना हमारा लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं बनता।